क्योंकि पिस्टन बाहर निकला हुआ है, अभी हमें इसको अंदर करना होगा। और यही गलती होती है सबसे ज़्यादा, जिससे कैलिपर सिलेंडर और पिस्टन कट जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे ब्रेक पैड रिप्लेस करना है और कैलिपर का सर्विस करना है, और कैलिपर पिस्टन या ब्रेक पिस्टन सिलेंडर कटने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो फुल डिटेल्ड है, आप इसको पूरा एंड तक देखिए। पहले हम इस 12 mm बोल्ट को खोल लेंगे, कैलिपर को ऊपर घुमा लेना है, कैलिपर पिन और बूट को पेट्रोल से एकदम क्लीन कर लेंगे अच्छे से, और पिन सिलेंडर में पेट्रोल डाल के अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने फुल ब्रेक ऑयल फ्लशिंग और ब्लीडिंग करने का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। और ऊपर के पिन, बूट और सिलेंडर को सेम प्रोसेस से क्लीन करना है। बूट के अंदर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ग्रीस डालना है, और पिस्टन में भी थोड़ा सा ग्रीस डाल देना है, और पिन में भी ग्रीस लगा देना है पतला लेयर, और कैलिपर को वापस डाल देना है, और थोड़ा सा स्लाइड करके इसको आपको अंदर डालना है, और बिल्कुल फ्री होना चाहिए ये। अब ओल्ड ब्रेक पैड को निकाल लेंगे, और ये ब्रेक पैड अराउंड 3 ईयर्स ओल्ड हो गया था और लगभग 46,000 किलोमीटर अभी तक चला, और वैसे अभी ये 10% बचा हुआ, बट मैं इसको अभी ही रिप्लेस करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो गया है और डिस्क पे लाइनिंग भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये टाटा का ओरिजिनल ब्रेक पैड है, और इसका प्राइस देख सकते हैं। पैड को आगे से अंदर डालना है, और ऊपर और नीचे कट में फिट होता है दोनों एंड। और इजीली फिट होता है, और अंदर वाला भी सेम डाल देना है। अब वार्निंग प्लेट को लगा देंगे, अगर अब कैलिपर को लगाएंगे तो फिट नहीं होगा क्योंकि पिस्टन बाहर निकला हुआ है, अभी हमें इसको अंदर करना होगा। और यही गलती होती है सबसे ज्यादा, जिससे कैलिपर सिलेंडर और पिस्टन कट जाता है। ज्यादातर सर्विस सेंटर पे स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको पुश करने का कोशिश करते हैं, और झटका भी इसमें देते हैं कुछ लोग, जिससे ये जो कैलिपर सिलेंडर है और जो पिस्टन है वो जल्दी कट जाता है, क्योंकि जो फोर्स है वो बराबर नहीं लगता है दोनों एंड पे। और कभी भी इसमें झटका दे के इसको अंदर नहीं करना है। तो सही तरीका क्या है, सबसे पहले ब्रेक ऑयल कंटेनर का कैप खोल लेना है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर को पैड और कैलिपर पिस्टन के बीच में डालना है, और स्क्रू ड्राइवर का एंड ब्रेक पैड के बीच में ही होना चाहिए, और धीरे धीरे बिना झटका दिए हुए स्क्रू ड्राइवर को दबाना है, और स्क्रू ड्राइवर का एंड ब्रेक पैड के बीच में होना चाहिए, और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगता है इसमें, और कैलिपर को साथ में पकड़ के इसको फिट कर दीजिए, और बोल्ट को टाइट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।